नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Flipkart में अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपके फ़ोन में Flipkart ऐप्स नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके Flipkart ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। Flipkart में अकाउंट बनाने के लिए Flipkart ऐप्स को ओपन करते हैं। ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलेगा। आपको दो लैंग्वेज मिलेगा यहाँ पे चूज करने के लिए, हिंदी या इंग्लिश। तो आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को चूज करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू पे। यहाँ पे चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के अपना Flipkart अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेंड ओपीटी। अब आपके फ़ोन पे एक OPT जाएगा, वो OPT यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मेरे फ़ोन में वो OPT आ चुका है और यहाँ पे मैं उस OPT को एंटर कर रहा हूँ। OPT डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा वेरीफाई। अब यहाँ से आपकी Flipkart अकाउंट क्रिएट हो जाता है। Flipkart अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको अपने अकाउंट में कुछ ज़रूरी सेटिंग करना होता है, फॉर एग्जाम्पल नेम, ईमेल आईडी और अपना एड्रेस, तभी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाइएगा। तो ये सब सेट करने के लिए यहाँ पे इस तीन लाइन पे क्लिक करते हैं। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट। यहाँ पे आपको दो आइकॉन मिल रहा है, मेल और फीमेल का। तो आप अपने अनुसार से इसे सेट कर लीजिएगा। आप मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिएगा और फिर फीमेल है तो फीमेल पे। और यहाँ पे इसके बाद अपना नाम एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपना नेम को एंटर करते हैं। नेम एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सबमिट पे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा माई एड्रेस का। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऐड एन एड्रेस पे और यहाँ पे आपको जो परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। यहाँ पे देखिए एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, आपका एड्रेस ये खुद फाइंड किया है। अगर ये सही है तो क्लिक कीजिएगा कन्फर्म पे, अन्यथा फिर आप क्लिक कीजिएगा कैंसिल। और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना होगा या फिर बिल्डिंग का नेम डालना होगा। अगर आपको अपना हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग का नेम नहीं पता है तो अपना नाम यहाँ पे एंटर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा रोड नेम या फिर एरिया या फिर कॉलोनी का नाम। यहाँ पे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ उस एरिया का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे लैंडमार्क ऑप्शनल है तो लैंडमार्क मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे इसके बाद आपको अपना नेम डालना होगा। आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, चाहे तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट नंबर आता है, चाहे तो आप डाल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, होम एड्रेस और वर्क ऑफिस एड्रेस। तो अगर आपका होम एड्रेस है तो होम पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा फिर आप ऑफिस एड्रेस को सिलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद क्लिक कीजिएगा सेव। तो यहाँ से अब आपका Flipkart का अकाउंट बनके कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।